वाला हूँ, फार्म के बाहर आपको कैसे लगाना है गनी बैग, और ये बोरे भी कहते हैं काफी जगह पर, बोरा भी कहा जाता है, तो इसका आपको कैसे यूज करना है। तो देख लीजिए, ये हमारा पोल्ट्री फार्म है और इसके बाहर इस साइड हमने इस तरह से शेड के बाहर लगा रखे हैं इस तरह से। तो आपको ये ऐसे लगाने हैं कि जब भी आपकी शेड पर से ऊपर से पानी आए तो इनके ऊपर आए, उससे ये फायदा होगा आपको कि ये जब गीला हो जाएगा तो आपके फार्म में ठंडी हवा जाएगी, और इसका ज्यादातर ये भी फायदा है कि अंदर धूप नहीं जाती, फार्म के अंदर धूप नहीं जाएगी इससे। और इसको आपको ऐसे ही लगाना है कि ऊपर से भी खुला रहे कुछ जगह, ऊपर भी बची रहे और कुछ जगह नीचे भी बची रहे, क्योंकि इससे हवा अंदर आती जाती रहेगी और जो धूप आती है वो रुक जाती है। देख लीजिए आप अंदर कितना स्पेस बचा हुआ है, आपको भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। ये देखिए अंदर किस तरह से चिक्स आराम से बैठा है बिल्कुल, और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर हो जाता है इसकी वजह से। तो इसका यूज जरूर करें, ये ज्यादा महंगी नहीं आती, और आपको ये कोई एक ही बैच पे यूज नहीं करनी। गर्मियों में आप जब तक गर्मियों में चिक्स पालोगे तब तक ये चलती रहेगी, ये कोई खराब नहीं होती एक ही बार में, तो इसका यूज आप कर सकते हो। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, और ये हमारे फार्म के आसपास इस तरह से पेड़ लगा हुआ है, देखो किस तरह से अंदर धूप नहीं जा रही केवल इस गनी बैग की वजह से। तो आपको यही लगाना है, या तो फिर आप बैग्स का बना सकते हो, जो बोरे आते हैं उनका बना सकते हो, वरना आप मार्केट से इसे पहले वैसे ही खरीद सकते हो जैसे ये लगा हुआ है। देखो मैं आगे तक दिखा देता हूं आपको, जितना लंबा हमारा फार्म है हमने पूरे में धूप जिस तरफ से आती है फार्म के अंदर उस तरफ ये लगा दिया है, और अब अंदर टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया है, जैसे हमने इसे गीला किया था सुबह के टाइम। तो आपको भी ऐसे ही करना है, सुबह के टाइम ही गीला करना है, 9 से 10 के आसपास अपने शेड के ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना है, वरना अगर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं, स्प्रिंकलर से गीला होता रहेगा दोपहर के टाइम भी। और अगर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगवा रखा और आप 12 बजे के आसपास इसे ऊपर करते हो, मतलब पानी का छिड़काव दोपहर को करते हो अपनी शेड के ऊपर, तो वो सही नहीं है। आपको 9 बजे के आसपास ही अपनी शेड पर पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि इससे एक तो ये फायदा होगा शेड गर्म होगी ही नहीं, और दोपहर के टाइम अगर आप स्प्रे करोगे तो उसमें आपको परेशानी ये होगी कि शेड गर्म हो जाती है तब तक, और अगर आप स्प्रे करते भी हो तो इतना ठंड आपकी शेड ठंडी होगी, उससे पहले टेम्परेचर आपके चिक्स में ज्यादा हो चुका होगा, और जब चिक्स को ज्यादा गर्मी लगेगी उस टाइम तक वो परेशान हो चुका होगा। तो आपको चिक्स को स्ट्रेस में होने ही नहीं देना, 9 से 10 बजे के आसपास आपको अपनी शेड के ऊपर छिड़काव कर देना है, और साइड में गनी बैग आपको जरूर लगाना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि गनी बैग ये जरूर लगाएं, और आप देख सकते हो शेड के ऊपर हमने किस तरह से पूले डाल रखे हैं, या फिर आप घास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके ऊपर पानी रुक जाता है और काफी टाइम तक ठंडा रहेगा आपका शेड। और देख लीजिए एक बार, मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, वरना मैं फार्म के अंदर का आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। तो आपको अब अंदर से दिखा रहा हूं मैं, देख लीजिए हमारे फार्म के बाहर किस तरह से ये हमने लंबी लाइन लगा रखी है इसकी बोरे की। तो आपको ये मार्केट से इजीली ऐसे ही मिल जाएगा बिल्कुल, तो आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना इसके ऊपर। तो इसका अगर आप यूज करोगे तो एक ही बार यूज नहीं होगा ये, आगे जितनी बार भी आप गर्मियों में चिक्स को पालते हो उसमें आपके लिए फायदेमंद होगा। और देख लीजिए अंदर से किस तरह से हवा भी आ रही है पर धूप नहीं आ रही फार्म के अंदर, और इससे ठंडी हवा आती है जब ये गीला हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल ये सूख चुका है, हमने अभी 9 से 10 बजे के आसपास ऊपर पानी का स्प्रे किया था, तो उसका जो पानी बाहर शेड के थ्रू आ रहा था वो इसके ऊपर आता है, तो इसे थोड़ा सा बाहर करके लगाइए जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको बाहर की तरफ से, और इससे आपको अंतर दिख रहा होगा चिक्स किस तरह से बिल्कुल रिलैक्स बैठा है। और इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री से ऊपर है, फिर भी हमारे चिक्स देख लीजिए इस तरह से बढ़िया तरह बैठा है, और फार्म का टेम्परेचर हमारा बहुत ही डाउन है बाहर के मुकाबले, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है आपको दिखाई दे रहा होगा, पर हमने जो इस ऊपर स्प्रे किया या आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है तो ज्यादा बेटर है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगातार स्प्रे करता रहता है तो वो किसी भी टाइम आप चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने आप मैनुअली स्प्रे करते हो अपने आप करते हो तो वो आपको 9 से 10 के आसपास ही करना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप दोपहर को स्प्रे करोगे तो उससे शेड उस टाइम तक गर्म हो चुकी होती है और चिक्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले चुका होता है उस टाइम तक। तो आपको ये पहले ही करना है, पहले स्प्रे करने से आपकी शेड गर्म होगी ही नहीं और आपके चिक्स को परेशानी भी नहीं पड़ेगी। तो आज 32वां दिन है हमारे चिक्स का, आप अपने आप देख सकते हो कि किस तरह से कितना बड़ा चिक्स है और फिर भी आराम से बैठा है, कोई
स्ट्रेस नहीं ले रहा, मुंह खोल करके सांस भी ज्यादातर नहीं ले रहे, वरना इतनी गर्मी में तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती अगर हम ये सब यूज ना करते तो। तो इस तरह की टिप्स हम आपको देते रहते हैं, और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ड्रिंकर को आपको कैसे करना है, मतलब ड्रिंकर की सफाई कैसे करनी है। तो आपको एक कपड़ा लेना है, सुबह को भी उससे ही सफाई करनी है अपने ड्रिंकर की अच्छी तरह से, और शाम के टाइम भी, क्योंकि अब जब दोपहर के टाइम चिक्स ड्रिंकरों के आसपास बैठता है तो उससे जो आसपास का लीटर होता है और गंदगी धूल उड़ती है हवा में, तो वो इस पर चिपक जाती है। अगर आप उसे साफ नहीं करोगे ऊपर से तो आपको परेशानी होगी कि चिक्स में बीमारी आने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जब गंदा पानी चिक्स पिएंगे तो उसकी वजह से ईकोली गंदे पानी की वजह से भी आती है। तो उसका पहले ही आप प्रिवेंशन करके चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पहले ही बर्तनों की सफाई करते रहोगे तो बीमारी कम से कम आएगी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी अपने वीडियो की और अच्छी करूँ, तो कल या परसों से मैं और भी अच्छी वीडियो बनाया करूँगा। और आज जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना पोल्ट्री फार्म, मैंने बाहर की तरफ से भी दिखाया, तो आपको इस पर ध्यान देना है, इसी तरह से करना है। देख लीजिए आप किस तरह से मैं बाहर पाइप पर किस तरह से लगा रखी है, बाहर जो हमने बोरी खरीदी है लंबी, तो ये आप बैग की भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बोरे रहते हैं आपके यहाँ पर तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो थोड़ी मोटी होगी बस, तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा टाइम तक गीली रहेगी और फार्म के अंदर ठंडी हवा आएगी। और देख सकते हो आप किस तरह से हवा चल रही है फार्म के अंदर, किस तरह से हवा आ रही है। और आप चिक्स को दिखा देता हूं मैं अब, और वेट भी बताऊंगा मैं अपने चिक्स का। फिलहाल तो गर्मी ज्यादा है इस टाइम, दोपहर के टाइम आपको अपने चिक्स में नहीं घुसना है, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम अपने फार्म में घुसोगे तो उससे परेशानी हो सकती है, चिक्स जब भगदड़ मचेगी चिक्स में, जब आप चिक्स में घुसोगे दोपहर के टाइम तो उनका मेटाबॉलिक रेट एकदम बढ़ जाता है, हार्ट बीट एकदम ज्यादा हो जाती है, तो उससे चिक्स मर जाता है। तो आप कभी भी दोपहर के टाइम अपने फार्म में ना घुसे, कोई ज्यादा ही जरूरत आपको पड़ जाए तो तभी घुसे, वैसे चिक्स में ना घुसे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि चिक्स को दोपहर के टाइम रिलैक्स रहने दे बिल्कुल एकदम, तो उससे आपके फार्म में मोर्टैलिटी नहीं होगी। हाँ, और अगर आप शाम के टाइम फीड डाल रहे हो तो वो ज्यादा बढ़िया है, सुबह और शाम में आप फीड डालो, क्योंकि अगर आप दोपहर के टाइम फीड डालोगे तो उससे आपको परेशानी होगी, आपका नुकसान जाएगा। और इस टाइम पर चिक्स काफी सस्ता है, आप डाल सकते हो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका पूरा इंतजाम है आपके फार्म में, ऊपर स्प्रिंकलर सिस्टम है और इस तरह से बाहर बोरे लगा रखे हैं आपने, और फैंस का भी यूज करना मैं बताऊंगा अगली वीडियो में आपको, इस तरह से आप पंखों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने फार्म में, तो अगर आपका फार्म पूरी तरह से रेडी है तो आप इस टाइम पर चिक्स डाल सकते हो, क्योंकि रेट काफी डाउन है चिक्स का, और मार्केट आपको मैं बता दूं लगभग 100 के आसपास चल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है इस टाइम। तो मैं आपको अपने चिक्स का भी बताना चाहूंगा कि अभी हम कुछ टाइम अपने चिक्स को और रोकेंगे, लगभग 2 किलो के आसपास ही सेल करेंगे, क्योंकि हमने चिक्स काफी महंगा खरीदा था, 35 रुपए का हमने चिक्स खरीदा था, और इस टाइम चिक्स डाउन है तो आप डाल सकते हो 20 रुपए के आसपास, इस टाइम चिक्स का रेट है। और इस टाइम क्योंकि रेट डाउन इसीलिए रहता है क्योंकि कभी इस टाइम गर्मियों में चिक्स कोई डालना नहीं चाहता, क्योंकि सभी के पोल्ट्री फार्म इस तरह के नहीं है कि जो गर्मी को सहन कर सके उनके फार्म में चिक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका फार्म बढ़िया है, ठंडक रहेगी आपके फार्म में, तो आप चिक्स को डाल लीजिए, इस टाइम पर बढ़िया टाइम है पोल्ट्री के लिए। और इस तरह की पोल्ट्री गाइड मैं आपको करता रहूंगा, पोल्ट्री की गाइड जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हमसे, आप हमें कमेंट करिए, हम उसके ऊपर, हम सभी के कमेंट पिक करना चाहते हैं और उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करते रहिए, जो भी आपके सुझाव है या सवाल है आप हमें कमेंट करिए, और हमारी वीडियो इसी तरह से ज्यादा देखते रहे। कल को मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पंखों का इस्तेमाल कैसे, आपको पंखों का इस्तेमाल करना है अपने पोल्ट्री फार्म में, और थोड़ा और बताऊंगा बाहर के, इस जो हमने बोरे लगाए हैं पर्दे इस तरह के लगाने हैं आपको, बोरे वाले पर्दे में आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आप गनी बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बोरो जो जिसमें गुड़ आता है, इस तरह के बैग्स रहते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, पर उससे एक फायदा ये भी है कि वो ज्यादा टाइम तक गीला रहेगा और ठंडक रहेगी आपके फार्म में। तो ये आपको थोड़ा दूर लगाने हैं, मैंने जैसे आपको बाहर से दिखाया था, थोड़ा दूर लगाएं, उससे हवा अंदर आती रहेगी, वरना अगर आप बाहर की जाली पर ही से लगा दोगे तो उससे हवा अंदर आनी बंद हो जाएगी, तो इसे थोड़ा दूर लगाएं, इस तरह से धूप भी नहीं आएगी आपके फार्म में और अंदर ठंडक रहेगी ये दोपहर के टाइम में। और देख लीजिए चिक्स किस तरह से आराम से रिलैक्स होकर के बैठा है। तो कल की वीडियो का इंतजार करें,
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो साइड में बेल का बटन है उसे जरूर दबाएं, उसे अगर आपने दबा रखा है तो शेयर जरूर करें हमारी वीडियो, शेयर और लाइक जरूर करा करें जिससे सभी को ये सब जानकारी मिल सके। और कल को और स्पेशल जानकारी देंगे हम पंखों के बारे में, तो वो वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।